भाइयों बहनों, प्रतापगढ़ जनपद हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जनपद है और महत्वपूर्ण जनपद इसलिए क्योंकि कभी इस जनपद ने, यहां के महापुरुषों ने, यहां के अन्नदाता किसानों ने इस जनपद को अमृत फल आंवले के साथ जोड़ करके इस आंवले के माध्यम से लोगों की सेहत को सुधारने का काम किया था। भाइयों बहनों, एक समय ऐसे भी आया था जब प्रतापगढ़ के हमारे किसान आंवले से मुंह मोड़ करके दूसरे कार्यों में अपना हाथ अजमाना शुरू कर दिए थे। यहां पर कभी यहां की पहचान ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड एटीएल की बंदी के बाद प्रतापगढ़ ऐसा लगा कि जैसे जिस प्रतापगढ़ के बारे में कहा जाता था कि सौ पढ़ा न एक प्रतापगढ़, यानी अगर कोई सौ पढ़े लिखे लोग हैं तो उन पर एक प्रतापगढ़ का व्यक्ति भारी पड़ जाता था। लेकिन ये भाई बहन की जोड़ी ने और बुआ और बबुआ की पार्टियों ने यहां की पूरी धार को कुंद कर दिया, एटीएल बंद कर दिया, आंवले की जो खेती होती थी किसानों ने मुंह मोड़ दिया और विकास के कार्यों के बारे में क्या था, यहां तो फिरौती वसूली जाने लग गई थी, रंगदारी का धंधा शुरू हो गया, व्यापारी परेशान, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, नौजवानों को जिनके हाथों में स्कूल हो, जिनके पास जाने के लिए स्कूल होना चाहिए था, उनके हाथों में तमंचे पकड़ाए जाने लग गए। एक कांग्रेस सपा बसपा ने ऐसे ही पूरे प्रदेश को बर्बादी के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। आज भाइयों बहनों, एटीएल के स्थान पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की कार्रवाई प्रदेश की डबल इंजन की सरकार कर रही है। राम वनगमन पथ यहीं से होकर के अयोध्या से प्रतापगढ़ होते हुए ही चित्रकूट के लिए जा रहा है, इसको फोर लेन के रूप में बनाने की कार्रवाई डबल इंजन की भाजपा की सरकार कर रही है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज तक पहुंच रही है। हमारा प्रयास है कि 2025 के प्रयागराज कुंभ के पूर्व हम इसको पूरा करवा करके आवागमन को आसान कर लें, प्रयागराज आने और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए और नागरिकों के लिए आसान कर लें। यहां के बाईपास के विस्तार को स्वीकृति दे दी गई और कोई सोचता था कि प्रतापगढ़ में भी मेडिकल कॉलेज होगा, अब तो प्रतापगढ़ का अपना मेडिकल कॉलेज भी हो गया है। भाइयों बहनों, आंवले जो जिसने वैश्विक मंच पर प्रतापगढ़ को पहचान दिलाई थी, वह आंवला फिर से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हिस्सा बना है। सरकार ने तय किया है आंवले की खेती के माध्यम से यहां के नौजवानों को रोजगार, यहां के किसानों की आमदनी बढ़ाएंगे और देश और दुनिया की सेहत इसके माध्यम से सुधारने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, अकेले प्रतापगढ़ में हम लोगों ने शहरी विकास के लिए आवास योजना में 10,145 आवास केवल नगरीय क्षेत्र में दिए हैं, 4,595 पटरी व्यवसायियों को
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया है, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग जन पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में 14,600 निराश्रित महिला, 7,200 दिव्यांग जन, 11,500 से अधिक वृद्धजनों को पेंशन की सुविधा का लाभ, 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ अकेले प्रतापगढ़ में मिल रहा है। और नगर पालिका बेलहा और नगर पंचायत मानिकपुर, अंतु, कटरा, मेदनीगंज, लालगंज, रानीगंज का सीमा विस्तार किया गया है। तो सुवंसा बाजार, पृथ्वीगंज बाजार, कॉरिडोर, रामगंज, ढकवा, हीरागंज बाजार, देरवा, गढ़वारा बाजार, मानधाता बाजार, कटरा, गुलाब सिंह बाजार, ये सभी सृजन किए गए हैं। यानी इतना नगर पंचायत आपकी बनी, जितनी आजादी के बाद कुछ नगर निकाय बने नहीं प्रतापगढ़ में। एक साथ मोती सिंह जी ने और ये ओझा जी ने, जितने हमारे विधायक गण, इन सब ने मिलकर के प्रदेश सरकार पर दबाव बना करके नगर पंचायत गठित करवा दिए। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि जो सरकार संवेदनशीलता के साथ आपके विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए, बिना भेदभाव के सबकी सुरक्षा और सबके हितों को संरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है, और सरकार को आपका आशीर्वाद मिले, नगर निकायों में फुल मेजोरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए बीजेपी आपके पास